न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि नई आई है 2020 की, पहली एजुकेशन पॉलिसी 1968 में थी और उसके बाद 1986 में आई और अब हम लेकर आए हैं न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020। तो डिवेलप एंड एजुकेशन सिस्टम डीपली रूटेड इन इंडियन एथिक्स, जो इंडियन एथिक्स हमारा है हम उस पर वैल्यू बेस्ड जो है वो लेकर आए हैं। इसके अलावा कैरिकुलम एंड पेडागॉजी मस्ट डिवेलप अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड फंडामेंटल ड्यूटीज एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डिवेलप अ सेंस ऑफ प्राइड एंड रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री एंड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन राइट्स। ठीक, तो हम लोग रोट लर्निंग जो थी उस पर हम जो कंसंट्रेट करते चले आ रहे हैं, अब हम इस सिस्टम को चेंज कर रहे हैं, अब रोट लर्निंग नहीं होगी। वी आर डिवेलप द करिकुलम अकॉर्डिंग टू द अबिलिटी ऑफ चाइल्ड, राइट। अब की प्रिंसिपल्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसके की प्रिंसिपल्स क्या हैं, इसके मेन मोटिव्स क्या हैं, इसके मेन इंग्रेडिएंट्स क्या कह सकते हैं आप, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड लोकल कॉन्सेप्ट। तो ये यहाँ पे ये बताया गया है कि किस प्रकार मदर टंग को लेकर जो सरकारें हैं या यूनियंस हैं वो सक्रिय हैं। तो पढ़ाई जो है वो बेसिक जो स्टडी है वो मदर टंग में सजेस्ट किया गया है कि होनी चाहिए। इक्वालिटी एंड इंक्लूजन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कि इसमें हर तरह के वर्ग का बच्चा जो है वो पार्टिसिपेट कर सके। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, कि सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे कि इस पैंडमिक में आप सब ने देखा है कि टेक्नोलॉजी ने हमें क्लासेस और स्कूल लगाने सिखाए, किस प्रकार बार बार हमने एक पूरा साल कर लिया बिकॉज हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी। तो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी हम आगे भी इसी तरह इसको जारी रखेंगे। यूनिक कैपेबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी, बच्चों को रोट लर्नर ना बनाकर हम लोग उनकी यूनिक थिंकिंग को ध्यान में रखेंगे, उनमें क्या कैपेबिलिटीज हैं और उनकी क्रिएटिविटी पर ज्यादा ध्यान देंगे। नाउ ट्रांसफॉर्मिंग करिकुलम एंड पेडागॉजिकल स्ट्रक्चर, पहले हम जानते थे कि हमारा स्ट्रक्चर क्या था, कि एक से तीन साल के बच्चों को हम नर्सरी में, तीन साल के बच्चों से लेके छह साल के बच्चों तक हम यूकेजी तक प्रोवाइड करते थे। देन देयर इज 1 to 10 सेम सब्जेक्ट, एक क्लास एक से लेकर, वन से लेकर टेन तक सेम सब्जेक्ट रहते थे। सेवन सब्जेक्ट है ना। देन उसके बाद +1 +2 में जो है चेंज किए गए, राइट। अपनी मर्जी से बच्चा जो है वो नए सब्जेक्ट ले सकता है, लेकिन अब जो है वो चेंज कर दिया गया स्ट्रक्चर। सबसे पहले है, आप यहाँ पे देखिए, फाउंडर मेजर्स 2 years class 1 and 2 ages 6 to 8। देन देयर इज प्रेपरेटरीज, ये है class 3 to 5, एज है 8 to 11। देन देयर इज मिडल class 6 to 8, ages 11 to 14। तो यहां तक, उसके बाद 9th क्लास के बच्चे के पास ही अब क्या होगा, चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स होगा। जैसे हम 10th के बाद चॉइस ऑफ सब्जेक्ट देते हैं, वो कॉमर्स ले सकते हैं या कोई भी स्ट्रीम ले सकते हैं। अब ऐसा होगा कि 9th के बाद ही बच्चा अपनी पसंद के जो है सब्जेक्ट चुन सकता है। 9 to 12 बच्चे की पसंद के सब्जेक्ट होंगे। और इस बार इसमें ये भी होगा कि जो सब्जेक्ट हैं, आर्ट क्राफ्ट, जिस तरह फिजिकल एजुकेशन है, उसके ग्रेड लगते थे, इस बार वो ग्रेड्स नहीं होंगे, उन्हें इक्वल जो है सब्जेक्ट के तौर पे प्रमोट किया जाएगा। देन प्रमोटिंग क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग अलाइड इन द 21st century इन क्लासरूम, बच्चों की रोट लर्निंग की बजाय जो रट्टा बच्चे मारते हैं उसकी बजाय हमें क्या करना है, क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग पर ध्यान देना है। शिफ्टिंग ट्रेडिशनल असेसमेंट टू कॉम्पिटेंसी बेस्ड, तो जो ट्रेडिशनल अभी तरीके चलते आ रहे हैं उनको छोड़कर हमें बच्चों को कंपटीशन के लिए तैयार करना है। इस तरह की एजुकेशन देनी है कि उसका बेसिक जो है वो क्लियर हो। ट्रैक स्टूडेंट प्रोग्रेस कम्प्रीहेंसिव एंड फ्रीक्वेंटली, हमें बच्चों की प्रोग्रेस और ध्यान देना है कि किस प्रकार वो चल रहे हैं। डिजाइन टूल अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज, बच्चों की कैपेबिलिटी के हिसाब से हम
उनके बना रहे हैं, रिड्यूसिंग करिकुलम टू द कोर एसेंशियल टू द मिनिमाइज रोट लर्निंग। तो यहाँ पे हम इस तरह का करिकुलम तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें बच्चों को मिनिमाइज रोट लर्निंग करने की जरूरत पड़ेगी, प्रमोटिंग स्पोर्ट इंटीग्रेटेड एंड आर्ट इंटीग्रेटिंग लर्निंग इन क्लासरूम फॉर होलिस्टिक माइंड, कि हम लोग जो है आगे प्रमोट कर रहे हैं इस तरह की एजुकेशन जो किस तरह की होगी, स्पोर्ट इंटीग्रेटी होगी हो और आर्ट बेस्ड होगी। फाउंडेशनल स्टेज, साइलेंट फ्यूचर ऑफ स्टेजेस इन स्कूल। अब इस क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, फाउंडेशनल स्टेज, प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, मैंने आपको पहले ही बताया कि अब लर्निंग किस तरफ का ध्यान दिया जा रहा है कि एक्टिविटी बेस्ड हो, पेडागॉजी ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, फोकस ऑन गुड बिहेवियर, कल्थी एथिक, पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन एंड क्लीनिनेस, जैसे कि हम अभी रख रहे हैं इस पैंडमिक में वैसे ही होगा, फोकस ऑन टीम वर्क एंड कॉरपोरेशन, प्रेपरेटरी स्टेज, ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द प्ले बेस्ड लर्निंग टू मोर फॉर्मल एजुकेशन लर्निंग, इंटरेक्टिव टीचिंग लर्निंग, इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट इंक्लूडिंग फिजिकल एजुकेशन, आर्ट, लैंग्वेजेस, साइंस एंड मैथमेटिक्स। मैंने आपको पहले ही बताया कि 9 के बाद चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स होगी एंड देयर आर्ट्स एंड जो फिजिकल एजुकेशन वाले सब्जेक्ट्स हैं उन सब में क्या होगा, हमें इक्वल मार्क्स होंगे, ग्रेड्स नहीं होंगे। एम्फसिस ऑन रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, बच्चे जो हैं वो रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग पर ज़्यादा जोर देंगे। मिडल स्टेज क्या होगी, सब्जेक्ट ओरिएंटल पेडागॉजी एंड करिकुलम मेथोडोलॉजी, सब्जेक्ट टीचर्स फॉर लर्निंग डिसीजन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स ऑन ईच सब्जेक्ट अक्रॉस द मैथमेटिक्स, आर्ट, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज। Then the high stage है, secondary stage में क्या होगा, 4 years of multidisciplinary study, greater parts, greater critical thinking, greater to life experimentation। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि 9th के बाद ही choice of subjects होंगे और there are, ये भी होगा कि जिस तरह एक stream, rigid stream है कि art है और medical है, commerce है, तो अब बच्चे commerce में भी art के subject इस तरह ले सकते हैं। जो रिजिडिटी है तीनों सब्जेक्ट्स की वो तोड़ दी गई है, अब क्या है कि बच्चा अपनी चॉइस का सब्जेक्ट जो है वो दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ ले सकता है। तो ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टूडेंट चॉइस, एक्सप्लोर टू मोर सब्जेक्ट एंड हाँ वो जितने चाहे सब्जेक्ट ले सकता है, अगर एक साल सब्जेक्ट वो पढ़कर उसे ठीक नहीं लग रहा तो अपनी मर्जी से वो दूसरे साल में वो सब्जेक्ट जो है वो चेंज कर सकता है। और ये नहीं है कि उसका पिछले साल जो उसने पढ़ा है उस सब्जेक्ट का उसे बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसके पास वो डिप्लोमा होगा या उसके पास उस बात का प्रमाण भी होगा। इंश्योरिंग दैट ऑल चिल्ड्रन एंटरिंग ग्रेड 1 आर स्कूल रेडी टू 2030। ये जो है गोल्स क्या है हमारे इस एजुकेशन पॉलिसी के, कि ग्रेड 1 तक सारे जो बच्चे हैं वो 2030 में सारे बच्चे जो हैं वो ग्रेड 1 तक जरूर पहुंचे, कोई बच्चा ऐसा ना हो जो बिना एजुकेशन के रह जाए। अटेन ऑप्टिकल आउटकम इन द डोमेन ऑफ फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कल्चर डेवलपमेंट एंड द कम्युनिकेशन ऑफ अर्ली लैंग्वेजेस, लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ECCCE करिकुलम एंड पेडागॉजी डेवलपमेंट, द प्रिपेयर इनिशियल क्रेडिट ऑफ हाई क्वालिटी ECE टीचर्स, टीचर्स भी हैं जैसे आप जानते हैं कि TET उनके लिए कंपलसरी है, इसी तरह अब उनकी कोर जो है जो छोटे क्लासेस को पढ़ाते हैं उनके लिए अलग ट्रेनिंग कोर्सेज होंगे, 6 मंथ के होंगे, 1 ईयर डिप्लोमा होगा और उसके बाद जो प्लस टू कर चुके हैं उनके लिए 3 साल की डिग्री भी होगी। इंट्रोडक्शन ऑफ अ प्रेपरेटरी क्लास, क्लास 1 ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज 5 ईयर बेस्ड ऑन प्ले बेस्ड लर्निंग, अ फोकस ऑफ डिवेलपमेंट। ठीक, आगे अटेनमेंट ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय ग्रेड 3 इन मिशन मोड, तो ग्रेड 3 में जाकर हम उनको मैथ्स, न्यूमेरेसी और लिटरेसी के बारे में बताएंगे। बुक प्रमोशनल, नेशनल बुक प्रमोशनल पॉलिसी विल बी फॉर्मुलेटेड एंड पब्लिक, द स्कूल एक्सपेंड लाइब्रेरी विल बी एक्सपेंडेड, नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, फाउंडेशन स्किल्स, यूनिवर्सल एक्वाइज ऑफ फाउंडेशनल लर्निंग स्किल, अर्ली लर्निंग, फोकस ऑन अर्ली रीडिंग, राइटिंग एंड मैथमेटिक्स, 3 मंथ प्ले बेस्ड स्कूल, 3 मंथ प्ले बेस्ड प्री प्राइमरी मॉड्यूल फॉर द ग्रेड 1 स्टूडेंट। ये सभी जानते हैं कि ग्रेड 1 में अब क्या होगा, प्ले बेस्ड लर्निंग होगी, नेशनल रेसिप्रोकेटिंग होगी, लाइब्रेरीज
तो डिजिटल लाइब्रेरीज जो हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी एंड सर्कुलेटिंग ड्रॉप आउट रेट्स एंड इंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल्स टू ब्रिंग चिल्ड्रन बैक टू स्कूल एंड प्रिवेंट चिल्ड्रन ड्रॉपिंग देयर स्टेप्स विल बी टेकन प्रोवाइडिंग रेगुलर ट्रेन टीचर्स एट ईच स्टेज स्पेशल केयर शैल बी टेकन इंश्योर स्कूल रिमेन डेफिशिएंसी इन इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट ठीक देन यूनिवर्सल पार्टिसिपेशन इन स्कूल बी केयरफुली ट्रैकिंग स्टूडेंट एज वेल एज देयर level community parties partnership in terms of extras and infrastructures support scope of school education will be broadened to facilitate multiple pathway programs offered by the national institute of open school and open schools will be expand and straight jo bacche beech mein drop out kar lete hain unke liye bahut sare open schools jo hain wo banaye ja rahe hain aage se aage isko develop kiya jayega taki bachchon ko 2030 tak sabhi bacche jo hain wo schoolon tak pahunch sake aur koi bhi jo hai wo drop out na kare jo rate hame chahiye wo zyada se zyada ho literacy ka competency based education modules are prepared to implement pedagogy plans based on competency and outcome based learning for school leaders ye bhi aapko pata hai highlights of pedagogy structure infra integration of subject throughout the integration sport integration ict and storytelling based pedagogies among on standard pedagogy development of scientific area theek hai development of scientific temperament inclusion of knowledge and practice human number SILOS among subject and learning emphasis on digital literacy promotion of multi languages ab aap jante hain ki maine pehle kaha ki jo hai mother tongue mein ko lekar ab three language formula jo hai pehle tha ki punjabi ya english ya hindi is tarah to ab ek matrabhasha bhi hai jo compulsory ki jayegi it is ki jayegi will be अभी इम्प्लीमेंटेशन होने में इसे बहुत टाइम लगेगा ये अभी ड्राफ्ट है एजुकेशन पॉलिसी का अगर करेंगी श्रेया प्लीज बेटा आप अपने आप को अनम्यूट करें अनम्यूट योरसेल्फ थैंक यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ Encouraging 21st century skills in the classroom. तो हम 21st century skills क्या हैं जिनको develop करने पे हमारा ध्यान सबसे ज्यादा होगा collaboration बच्चे collaboration के साथ पढ़ना सीखें एक दूसरे के साथ digital literacy तो आजकल जैसे आप जानते हैं कि कोरोना pandemic में चल ही रही है हम सब digital हो गए हैं सबको laptop पे सब कुछ करना आ गया है phone हमारे हाथ में रहते हैं तो digital literacy जो है वो अभी चल भी रही है और आगे भी इसको बनाया जाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड बच्चों में जो ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड लगाने की हम कोशिश करेंगे एथिक्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिस तरह हमने बहुत सारे स्वच्छ भारत अभियान बहुत सारी चलती हैं तो ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिनको डिवेल्प करने के लिए प्रोग्राम दिए जाएंगे हेल्थ एंड फिटनेस योगा का और फिजिकल एजुकेशन की बहुत सारी ट्रेनिंग होगी तो इसमें हेल्थ एंड फिटनेस भी है देन देयर इज क्रिएटिविटी मैंने आपको पहले बताया कि आर्ट और क्राफ्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं जहां ग्रेड लगते थे अब नंबर लगेंगे तो इसलिए क्रिएटिविटी बच्चों की और ज्यादा बढ़ेगी इंट्रोडक्शन ऑफ कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट आर्टिफिशियल लर्निंग ऑर्गेनिक लिविंग होलिस्टिक हेल्थ डिजाइनिंग थिंकिंग एंड डाटा साइंस मैकेनिकल लर्निंग इस तीनों पर हम काम करेंगे ईयर लॉन्ग कोर्स ड्यूरिंग ग्रेड 6 एंड 8 सर्वे एंड हेड ऑन एक्सपीरियंस सैंपलिंग ऑफ इंपॉर्टेंस वोकेशनल सच एज कारपेंट्री इलेक्ट्रॉनिक वर्क वर्क गार्डनिंग पोट्री एटसेट्रा मैंने आपको पहले बताया कि हम वोकेशनल लर्निंग पर ज्यादा ध्यान देंगे कि इस बार सब्जेक्ट जो होंगे वो इस तरह के भी होंगे कि आगे जाकर बच्चे अपनी जो एबिलिटीज हैं उनको डिवेल्प कर सकें अगर कोई पोट्री में अच्छा है या कारपेंट्री है थोड़ा बहुत उनको इलेक्ट्रिक वर्क जो है वो सिखाया जाएगा डिसाइडेड बाय स्टेट एंड लोकल आप सभी जानते हैं कि जो एजुकेशन पॉलिसी है वो कंटेंट मटेरियल है कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें अपने सहयोग के साथ इनको लागू करती हैं
केंद्र सरकार सिर्फ पॉलिसी बना सकती है, उसको लागू करने का डिसीजन जो है वो राज्य सरकारों का होता है। यहाँ पे हमेशा ये चलता है कि राज्य सरकारें जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात सुनती हैं या मानती हैं तो पॉलिसीज इम्प्लीमेंट होती हैं। देन मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग इंक्रीज एम्फोसिस थ्रू आउट द स्कूल ईयर स्टार्टिंग विद फंडामेंटल स्टेज। Use of variety of innovation matter including the regular use of puzzles, game and make mathematics thinking more enjoyable and engaged. Introduction of activities involve coding in middle stage. Then emphasis on vocational education. Vocational education मैंने वही आपको बताया कि जो बाहर जाके बच्चे जिसके जिससे अपनी vocational education हम किसे कहते हैं कि जिससे अपनी आय का जरिया जो है बच्चे बना सकते हैं, आगे जाकर अपने किसी भी शौक को develop करके अपने profession में इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 day bagless period during grade 6 to 8 for student to intern for local vocational experts such as carpenter, gardeners, artists एंड पोट्री एक्सेट्रा। 10 days जो होंगे वो इस तरह के होंगे कि बैगलेस मतलब उसमें बैग नहीं ले जाएंगे, और पीरियड जो हैं 6 to 8 स्टूडेंट्स के लिए इस प्रकार होंगे कि वो कारपेंटर्स या गार्डनर्स या इस तरह के जो आर्टिस्टिक उसमें इन्वॉल्व होंगे। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज टू लर्न वोकेशनल सब्जेक्ट थ्रू ग्रेड 6 to 12, और इसी ग्रेड को आगे बच्चे 9th में ऑप्शनल ले सकते हैं वोकेशनल कोर्सेज थ्रू ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड के जरिए भी वोकेशनल कोर्सेज जो हैं उधर आए जाएंगे। पीरियडिक एक्सप्रेशन ऑफ टू एक्टिविटी आउटसाइड थ्रू आउट लाइक मीटिंग लोकल आर्टिकल्स क्राफ्टमैन। जो बच्चे इन कोर्सेज में हैं वो लोकल जो इस बारे में बहुत ज़्यादा फेमस लोग हैं उनसे मिलने की भी उनको वो दी जाएगी। वोकेशनल कोर्सेज टू बी ऑफर्ड द ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, और ये ओपन और डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू भी दिया जाएगा। बाई 2025 एटलीस्ट 50% ऑफ लर्नर शैल एक्सपोज ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। तो इस पॉलिसी के तहत हम ये चाहते हैं कि 2020 तक सभी जो 50% लर्नर्स हैं वो इस वोकेशनल एजुकेशन को ले लें, ग्रहण कर लें। नॉलेज फॉर एशियंट इंडिया एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू मॉडर्न इंडिया एंड सक्सेसफुल and challenge Indian future appreciation with regard to education, health, environment, Indian knowledge system including tribal knowledge and traditional way of learning, कि जिस प्रकार हमारे पुराने जमाने में इस पर emphasize किया जाता था। हम please unmute yourself. Competition in school for learning various topic and through fun and integer games, video documents and inspirational luminaries of India in science curriculum. Students of visit different state and parts of cultural exchange program, जैसे कि हमने देखा है SST में बहुत सारे exchange program, culture exchange program होंगे। आगे constitution value will be developed in student exact Indian constitution will be considered essential. स्टूडेंट्स नॉलेज ऑफ क्रिटिकल इशूज फेसिंग लोकल कम्युनिटी स्टेट्स एंड ये सब बच्चों को अवेयर करने के लिए दिखाने के लिए जरूरी होगा। राइट आगे क्यों नहीं जा रहा। एक मिनट दीजिए मैम, ये ना अगेन हो रहा। देखना यार ड्रैग करके भी नहीं हो रहा, आगे नहीं जा रहा। आगे आगे
बेसिक ट्रेनिंग इन हेल्थ इंक्लूडिंग प्रेपरेशन हेल्थ मेंटल हेल्थ हेल्थ एजुकेशन, हम सभी जानते हैं बच्चों को अवेयर करना है कि किस प्रकार इस प्रकार जब हमने इस पैंडमिक में अपना ख्याल रखा है, बच्चों को बार बार अवेयर किया है वेयरिंग मास्क के लिए, सैनिटाइज के लिए, तो ये अब असेंशनल हो जाएगा हेल्थ एजुकेशन के थ्रू. देन लेवरेजिंग द पावर ऑफ मल्टीलैंग्वेज एंड लैंग्वेज लर्निंग, चिल्ड्रन हुज प्राइमरी लैंग्वेज इज लैंग्वेज इज इंट्रोडक्शन इन स्कूल आर मोर ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल एंड फेल एंड अर्ली ग्रेड्स. लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई जो है वो करवाई जाएगी या मदर टंग में जो है, यहाँ तक कि ग्रेड फाइव तक ये क्या कहते हैं कंपल्सरी नहीं है, इस पर अभी जो है काम हो रहा है, लेकिन सुझाव ये दिया गया है कि जो मदर टंग है या बच्चों की लोकल लैंग्वेज है पांच फाइव ग्रेड तक उसमें पढ़ाई जो कराई जाए. द लैंग्वेज ऑफ इंडिया जो इंग्लिश है उसको एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, एज ए लैंग्वेज जो है वो लोकल लैंग्वेज प्रेफरेंस की जाए, ताकि मानना है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत एजुकेशनिस्ट का कि बच्चे जो हैं वो अपनी लोकल लैंग्वेज में या मदर टंग में ज़्यादा अच्छी तरह से सीखते हैं. इसलिए ये फार्मूला इम्प्लीमेंट होगा तब ये होगा, लेकिन अभी तक ये एक सुझाव के तौर पर लिया जा रहा है. देन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन एंड टेक्स्ट बुक, द फॉर्मुलेशन ऑफ न्यू एंड कम्प्रीहेंसिव करिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन एजुकेशन विल बी टेकन बाय एनसीईआरटी. तो एनसीईआरटी जो है वो बुक्स चेंज करेगा, नई अच्छी जो और नॉलेजेबल लेसन्स हैं वो बुक्स में एड किए जाएंगे. ऑल टेक्स्ट बुक शैल एम टू कंटेन द सेशनल कोड मीन इम्पॉर्टेंस ऑफ द नेशनल लेवल बट एट द सेम कंटेंट एनी डिजायर मॉनुअल एंड सप्लीमेंट्री पर लोकल कंसेंट्स एंड नीड. जिस तरह की आपको बताया गया है कि किताबें जो हैं उसमें चेंजेस जो हैं वो नए तरीके से किए जाएंगे. वे आर पॉसिबल स्कूल्स एंड टीचर विल आल्सो हैव द टेक्स्ट बुक. अगर पॉसिबल होगा तो ये सारी टेक्स्ट बुक जो है वो टीचर्स को प्रोवाइड की जाएंगी पहले, ताकि इस पर जो है वो अपने अच्छे सुझाव दे सकें. मैं पहले कह रही हूँ कि ये जो नेशनल पॉलिसी है इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए अभी बहुत टाइम लगेगा, 2035 तक इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा. ये सिर्फ एक सुझाव है और आपको बताया जा रहा है कि इस तरह होगा. धन्यवाद. एम ऑफ असेसमेंट शिफ्टिंग फॉर द रोट इम्प्रोवेशनल स्किल्स टू फॉर्मेटिव इज मोर कॉम्पिटेंसी assessment promotes learning and development of student test higher order skills such as analyze critical thinking and conceptual clarity. जो test हैं बच्चों के और papers हैं वो उनकी conceptual clarity को ध्यान में रखते हुए कि किस तरह हुई है और critical thinking को ध्यान में रखते हुए बनाए जाएंगे और इसी तरह लिए जाएंगे. assessment for learning optimize learning and development for all students. This will be the underlying principle for assessment of all level of education. बच्चों की जितनी capability है उसके हिसाब से ही उनको number दिए जाएंगे, और अगर वो rote learning या subject learning में इतना अच्छा नहीं है तो उनकी जो art और vocational subject हैं उनको देते हुए उनके जो numbers हैं वो लगाए जाएंगे, ताकि बच्चा उस area में अपने आप को develop कर सके. Then transforming assessment of tracking student progress across school years. All students will take school examination in grade 3, 5 and 8. Key features of assessment, test core concept and move away for the rote memorization. मैंने पहले कहा कि rote learning नहीं होगी. Conduct assessment for all school, government and private. Student data is anonymized public disclosure by school of their overall outcome. Use data for continuous monitoring and improving. यहाँ तक grade 3, 5, 8 and 10 तक जो है वो सब कुछ transparency होगा. सब बच्चों के grade जो हैं वो अभी भी दिखाए जाते हैं, इसी तरह आगे चलेगा. Then 360 degree holistic report card. The holistic progress card will form an important link between home and school and there is unclaimed by parent teacher meeting in order to activity involve parents in their child holistic education and development. Result of the school examination to be used only for developmental purpose of the school education for public disclosure by school of their overall student outcomes. Anonymize student outcome for continuous monitoring and improvement of the schooling system.
प्रोग्रेस इन प्रोजेक्ट बेस्ड एंड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, क्विज, रोल प्लेज, ग्रुप वर्क, पोर्टफोलियो एक्सेट्रा, इंटरेक्टिव क्वेश्चनेयर्स फॉर पेरेंट्स, टीचर एंड स्टूडेंट, प्रोग्रेस इन कंजर्वेटिव इफेक्टिव एंड साइकोमीटर्स डेमो एंड. Then regarding guideline for assessment, assessment किस तरह की होगी? Guidelines will be prepared by NCERT in consultation major stakeholders such as Board of Assessment, National Assessment Center for School Education. एक नया जो है NCERT की तरफ से board बनाया जाएगा, National Assessment Center for School Education, for the assessments transformation in the assessment system by 2022-23 ACADE सीजन टू अलॉन्ग विद द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन. ठीक, तो इसके साथ साथ ही वो नया जो फ्रेमवर्क है वो स्कूल एजुकेशन 2022 and 2023 में इम्प्लीमेंटेशन इसकी होगी. देन नेशनल असेसमेंट सेंटर फॉर स्कूल एजुकेशन, द सेंटर विल एडवाइज द स्कूल बोर्ड रेकोगनाइज न्यू असेसमेंट पैटर्न्स एंड रिसर्चेस फॉर प्रमोटिंग कॉलबोरेशन बिटवीन स्कूल बोर्ड्स एक्सपेक्टेड टू बिकम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ शेयरिंग practice between school board etc about shifting their assessment patterns toward meeting of skill requirement 21st century and consultations with the objects of the policy. 4-year integrate bid, ab teachers and teacher education ke bare mein NEP kya kehta hai ki teachers kaise honge. 4-year integrate BEd, 4-year integrate BEd क्या होगा कि जब प्लस टू के बाद हमें पहले क्या करना पड़ता था, BA करना पड़ता था और उसके बाद BA के बाद हम 2 साल BEd की डिग्री करते थे. अब अगर बच्चे का इंटरेस्ट है वो टीचिंग में है तो वो प्लस टू के बाद 4-year integrate BEd कर सकता है सीधा BA के बाद. इस तरह 4 साल में उसकी BEd हो जाएगी और वो एक ट्रेंड एजुकेटेड टीचर बनेगा. 2-year बीएड भी साथ में चलेगी कि अगर बच्चे ने आर्ट लिया है या बीए कंप्लीट करने के बाद ही वो ये सब करना चाहता है तो वो 2-year बीडिंग जो पुराना पैटर्न है वो भी रहेगा. 1-year फॉर दोज हु कंप्लीट द इक्वल, वो 1-year बीएड उनके लिए होगी जिन्होंने 4-year की इंटेग्रेट बीएड की है और उसके बाद किसी स्पेसिफाई सब्जेक्ट में वो और इसको करना चाहते हैं तो वो उनके लिए 1-year बीएड होगा. टीचर्स एंड टीचर एजुकेशन, NEP 2000 नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर विल बी डेवलप बाय 2022. तो प्रोफेशनल जो और प्रोग्राम्स हैं वो टीचर्स के लिए लाए जाएंगे. अभी भी बहुत सारे हैं जैसे दीक्षा पोर्टल है और इस तरह बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो टीचर्स के लिए हैं. द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स विल बी प्रीव्यू एंड रिवाइज्ड इन 2030 एंड देयरफॉर एवरी the basis of regulation analyze of the system quality 4-year integrate B.Ed program. मैंने आपको बताया कि plus two के बाद ही integrate B.Ed program में enter हो सकता है बच्चा अगर उसका teaching में interest हो तो. transparency in transfer through online computerized system के जरिए सब transfer होगा, transparent बना रहेगा. teacher ability test will be strengthened. TET test जो हैं वो कंपलसरी होंगे और हर थोड़े सालों के बाद हर टीचर को ये देने पड़ेंगे. शेयरिंग ऑफ टीचर अक्रॉस स्कूल कॉम्प्लेक्सेस विल हायर लोकल एनिमेंट पर्सन एक्सपर्ट एंड मास्टर इंस्ट्रक्शन एट टेक्नोलॉजी बेस्ड कॉम्प्रिहेंसिव टीचर रिक्वायर्ड प्लानिंग. टीचर एजुकेशन ग्रेजुएट मूव्ड बाय 2030 विद मल्टी स्पेशलिटी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज एंड मल्टी स्पेशल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफर 4-year इन क्लास इंटेग्रेट बी एड प्रोग्राम प्रोवाइडेड ब्लेंडेड ऑन द IOD मोड ऑफ टीचर स्टूडेंट इन रिमोट एरियाज. NEP aims to support and nurture teachers through all phases of their tenure, preparation, recruitment in the class and professional development. Teachers की हर professional development के लिए NEP जो है वो सहायता देगा. देन कंटिन्यूस प्रोग्रेस डेवलपमेंट एंड इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड. टीचर विल अंडरटेक 50 आवर्स ऑफ CADF एवरीवेयर ड्राइंग बाय देयर ओन इंटरेस्ट. टीचर एजुकेशन इज इंक्लूडिंग एस्पेक्ट्स ऑफ सपोर्टिंग गिफ्टेड चिल्ड्रन, ट्रेनिंग चिल्ड्रन विल बी इफेक्टिव ऑनलाइन एजुकेटर.
जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं उनके लिए तरह तरह के कोर्स जो हैं वो और होंगे उनकी डेवलपमेंट के लिए, देन वर्कशॉप एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्कूल लीडर्स एंड प्रिंसिपल्स, सभी तरह की वर्कशॉप्स जो हैं वो टीचर्स और प्रिंसिपल्स के लिए और बढ़ाई जाएंगी 21st सेंचुरी। अभी भी बहुत सारे कोर्सेज जो हैं वो दीक्षा पोर्टल पर चल रहे हैं। 21st सेंचुरी टीचिंग लर्निंग असेसमेंट विल बी इन द हार्ट ऑफ ऑल टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। आंगनवाड़ी वर्कर्स टीचर्स ट्रेन्ड इन अर्ली लिटरेसी numerate and the relevant aspects of ECCE. Inclusion, the quality with the become of the key aspects of teacher education. बच्चों की education के साथ साथ इस education policy में teachers की education पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा कि किस प्रकार उन्हें skillful बनाया जाए इस national policy के लिए. Then equality inclusion based education NEP, focus on socio economical disadvantaged group, जेंडर आइडेंटिटी, सोशो कल्चर आइडेंटिटीज, ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी, सच स्टूडेंट्स फ्रॉम विलेजेस, स्मॉल टाउन्स एंड सेपरेशनल डिस्ट्रिक्ट, डिसेबिलिटीज इंक्लूडिंग लर्निंग डिसेबिलिटीज, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन सच एज माइग्रेट कम्युनिटीज, तो ये सब कुछ जो है इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। कैटराइज बेस्ड जो लर्निंग होगी वो होगी, सेपरेट strategies will be informed for focus attention for reducing, ये सारी चीज़ें हैं जो gender casteism है इस सबको ख़त्म करने के लिए इस पर ज़्यादा ध्यान जो education policy दे रही है। Then how to ensure equitable and inclusive education, increase participation in the school system will be strength, will be declare educational disadvantages, a gender including fund for girls and transgender, free broadcasting facilities will be built, including an equal participants of children with disabilities, and the schooling system will also be according to the higher priority, home based education will be choice for children who will not able to go to school, jo school nahi aa sakte un bachchon ke liye home based education ka bhi intezam jo hai national policy ye kehti hai aane wali ki hum karenge, the teacher must be help to identify the learning disabilities early and plan bachchon ki learning disability ko dekhte hue teacher ko padhane ki apni strategies hain wo plan karne padengi, national policy ye sab kuch aapko bata rahi hai, urgent need for additional special educator, स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए स्पेशल एजुकेटर्स जो हैं वो लगाए जाएंगे, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ स्कूल विल बी, स्टूडेंट इन सच स्कूल वुड बी अपेयर्ड इन द स्टेट ऑन अदर बोर्ड एग्जाम असेसमेंट बाय द स्टूडेंट, सिर्फ एक बोर्ड में ही नहीं रह सकता, अगर कहीं और ट्रांसफर हो जाती है या बच्चा किसी दूसरे राज्य में चला जाता है तब वो दूसरे बोर्ड से भी उतना ही उसी से वहीं से दोबारा शुरू कर सकता है और पेपर दे सकता है। Effective resourcing, effective governance through school complexes and clusters to ensure an adequate number of counselor, trained social worker and teachers for teaching all subjects including art, music, science, sports, languages, vocational subjects etc. Adequate resources shared or otherwise such as libraries, science lab, computer labs, skill labs, playground, sport equipments and other facilities are given by the school authorities. A sense of community to be built by to overcome the isolation of teachers, students and school throughout the joint professional development program, sharing of teaching learning content, joint content, ये सब हमने अभी भी चल रहा है, ऐसा नहीं है कुछ नया है, लेकिन जो नया है वो यही आपको बताया गया है कि जो पैटर्न सिस्टम है एजुकेशन का वो थोड़ा सा चेंज होगा, ये सब कुछ सभी स्कूलों में चल रहा है। इनिशिएटिव्स, अब हमारे इसके इनिशिएटिव क्या है, हमें इसे फायदे क्या है, एनईपी 2000 ऑन स्टैंडर्ड सेटिंग एंड अ सेल्फ रेगुलेशन सिस्टम विल बी इंस्टीट्यूट फॉर ऑल स्टेजेस ऑफ प्राइवेट पब्लिक टू इंश्योर कंप्लीमेंट्स एंड इक्वेशन इक्वालिटी स्टैंडर्ड। एनईपी लागू होने पर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों में ही जो क्वालिटी है स्टैंडर्ड जो है वो बराबर हो जाएगा। एनी मिनिमम सेट ऑफ स्टैंडर्ड बेस्ड ऑन बेसिक पैरामीटर्स नेम सेफ्टी सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर टीचर फाइनेंशियल प्रोबेबिलिटी एंड साउंड प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस विच शैल बी फॉलोड बाय ऑल द टीचर्स। स्टेट यूटी विल सेट अप द इंडिपेंडेंट स्टेट वाइड बॉडी कॉल्ड द स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटीज। डायमेंशन एंड फॉर्मेट ऑफ डिस्क्लोजर विल बी डिसाइड बाय SSSA एंड अकॉर्डिंग विद ग्लोबल बेस्ट NCERT टू डेवलप SQAAF school quality assessment and accreditation framework consultant. Key features,
इनके क्या की फीचर्स होंगे, सेल्फ असेसमेंट टूल फॉर स्कूल, ये स्कूल के सेल्फ असेसमेंट पर काम करेंगे, इजीली इम्प्लीमेंटेबल ट्रांसपेरेंट एंड ऑब्जेक्टिव टूल है, आपके सामने सब कुछ जो है वो ट्रांसपेरेंसी में रखा जाएगा, फोकस ऑन द इनहिमेंस ऑफ क्वालिटी, रिकॉग्नाइज ऑफ एक्सीलेंस, प्रमोशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी, एक्सेस अ रेंज ऑफ डिस्क्रिप्शन एंड एनहांसमेंट ऑफ सिस्टम. देन ट्रांसफॉर्मिंग असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन. असेसमेंट और एग्जामिनेशन क्या होगा, एक ही स्टेज असेसमेंट इन क्लास 3, 5 and 8 प्लॉटेड इन सिलेक्टेड स्कूल विल बी कंडक्ट ऑन 500 competency based test items for classes 1 to 5 related to the major to each learning outcome spiritual by NCERT. Pilot will be done in the beginning of April-May 2021, and the when school reopen it will be implement on the larger scale of 2020-23. मैंने पहले ही कहा कि implementation में 1-2 साल लग जाएंगे, 23 तक ये लागू जो है वो होगी. अभी ये सिर्फ एक ड्राफ्ट है, हमें बताया जा रहा है कि ऐसा होगा. जब ये implementation होगी राज्य और सेंट्रल गवर्नमेंट की, तब इस पर बात की जाएगी. एंड ऑनलाइन सिस्टम इज आल्सो बीन डेवलप. उससे पहले ये पॉलिसी बहुत ही बढ़िया है. सीबीएसई हैव बीन सेट अप द असेसमेंट, इट इज स्टैंडर्ड लिंक्ड आउटकम फ्रेमवर्क आइटम एंड देयर विल बी गाइडलाइन. डिजिटल यूनिट इज बीन सेट अप. वर्क इनिशिएटेड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ क्वेश्चन बैंक फॉर कॉम्पिटेंसी बेस्ड आइटम्स फॉर क्लास 6 to 10 इन मेजर सब्जेक्ट विल बी अवेलेबल एट दीक्षा. ट्रेनिंग ऑफ पेपर सेटर्स एंड मॉडरेटर इज गोइंग ऑन द स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन पेपर for higher order application oriented source case build question paper will become 60%. CBSE offer generic as well as subject specified teacher training programs. Same will be aligned and need of the newly requirement teachers. Introduction program will be initiated in the year 2022. CBSE has its policy on it in service teacher training. This has been modified to take 50 hours man per year for teachers, increasing in the existing 35 hours. CBSE will